अच्छा दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिर आपको दिखाने जा रहा हूँ दरिया चिनाब। दरिया चिनाब में आप इस वक्त चेक करें तो ऊंचे दर्जे का तकरीबन सैलाब लग रहा है। ये अगर आप चेक करें तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये तकरीबन एक या दो दिन पहले काफ़ी पीछे था, लेकिन अब देखें, अब ये पानी जो बहुत हद तक आगे आ गया है। इसके अलावा काफ़ी लोगों की जो फसलें वगैरह है वो तबाह हो चुकी हैं, घरों में पानी दाखिल हो चुका है। ये आप मेरे पीछे चेक करें, ये किसानों का कमाद है, कमाद तकरीबन बिल्कुल तबाह हो गया है और जो बाकी मंदा कमाद है उसको किसान ये काट रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है एक या दो घंटे के अंदर ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये दरिया के अंदर बह जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है और जो बस्ती की बस्तियां तबाह हो चुकी हैं, जिसकी एक मिसाल ये आपके बिल्कुल सामने है। ये ज़रा जूम करके आप देखिए, अगर ये बस्ती ये बिल्कुल तबाह होने के करीब है। ये आधे घरों ने यहाँ पर अब जो अपना मकान वगैरह ईंटें वगैरह जो अपना निकाल ली हुई हैं और घर छोड़कर चले गए हैं, और इन लोगों की जो ज़मीनें हैं वो सारी दरिया के अंदर अभी आ चुकी हैं। ये दरबार पहले अगर आप इस साइड पे देखें, जहाँ पर आपको रेत के टिल्ले नज़र आ रहे हैं, ये वहाँ पर था। जो ये दरबार पानी के जिस बहाव में बह गया है, लेकिन वहाँ से रेत और मिट्टी वगैरह निकाल कर निशानी के तौर पर उन्होंने इधर रख दिया है। और अब ये भी ऐसे ही लग रहा है कि ये तकरीबन एक या दो घंटे के अंदर ये भी हो सकता है बह जाए, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से कटाव कर रहा है। अगर आपको इस दिन नज़र आ रहा होगा, एक एक दो दो मिनट के बाद जो बड़े बड़े मिट्टी के टेले हैं वो दरिया के अंदर पानी के अंदर गिर रहे हैं। अच्छा जी, ये दसो, ये थोड़ी जमीन जी इस वक्त दरिया के बीच आ रही है, ते ए तुसी कमाद भी कट रहे हो, ते थोड़ा कितना एक नुकसान हो गया इस वक्त? तकरीबन जी 4 किले कमाद, 3 किले मुंजी, 1 किला बाजरे का, 8 किले अखबा जी। ते ए थोड़ा दरिया के बीच बह गया है? जी बह गया। ठीक है, तो थोड़े घर वाले तो पानी नहीं पहुंचा? पानी जी पहुंचा है, वापस होया। अच्छा, घर वाले भी पानी पे? जी पानी पिया। बहाव जो बदस्तूर तेज है ये आप देख सकते हैं, और पानी जो बिल्कुल फसलों में पहुंच गया है, घरों में पहुंच गया है। ये चेक करें आप, ये कमाद की फसल है और किसान जो अपनी फसल है वो काट कर ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये 10 से 15 मिनट या मजीद आधा घंटा ये और इधर रहेगी, उसके बाद ये ज़मीन जो है वे ये सारी दरिया के अंदर आ जाएगी। ये हर 2-2 मिनट बाद, 3-3 मिनट बाद ये जो मिट्टी है वो दरिया के अंदर पानी के अंदर गिर रही है। ये चेक करें। अच्छा जी, ये देखें, ये कमाद की फसल, अभी थोड़ी देर पहले के जो क्लिप थे उनमें यहाँ काफ़ी ज़्यादा फासला था, लेकिन अब ये कमाद जो दरिया के अंदर गिरना शुरू हो गया है। ये आप देखें, ये चेक करें, ये काफ़ी हद तक जो है ना दरिया के अंदर चला गया। अब इस तरह ये सारा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दरिया में चला जाएगा। अच्छा जनाब, ये दसो भाई, इस वक्त तक दरिया के पानी की वजह तो, दरिया जरा सैलाब आया इसकी वजह तो कितना नुकसान हो चुके हैं भाई जान? 8 मुहर्रम तो लै के ना तकरीबन आज 12 मुहर्रम हो गई। इस तकरीबन 4-5 दिन के दरमियान जो सामने थो रेत के टीले नज़र आ रहे हैं ना जी, इस तो थोड़ा जहा पर करके तक रकबा आई। ठीक है, जिदे बेच कमाद और चावल की फसल आई। अच्छा, जेडी हुण दरिया की कटाव की वजह तो दरिया बुरद हो गई। ये तो तकरीबन मेरे ख्याल 2 किलोमीटर का तकरीबन एरिया बन पैंदा है जी? 2 किलोमीटर नहीं बनता तो 1.5 किलोमीटर बन पैंदा। सामने थोन वो नक्का नज़र आ रहा है, ठीक है, उस नक्के की सेहत तो लैके वो एंड तक ये सारा रकबा जेरे आब आ गया, थले दरिया दे चला गया जमीन, और कटाव मुसलसल हो रहा है थोड़े सामने जनाब, दड़ा दड़ जमीन गिर रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि पानी का भी बहाव बहुत तेज है जी, बहुत तेज। आने वाले दिन थोन की लग रहा है भाई, ये मजीद सैलाब का खदशा ज्यादा है या फिर इस तो बाद कम हो जाएगा? जी सैलाब का खदशा भी है, लोगों के और जानी माली नुकसान का बहुत ज्यादा खतरा है। चेक करें, बदस्तूर बरकरार है और ये इसमें कमी आने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, और जो फ्लड कंट्रोल है और गवर्नमेंट की मजीद पेशन गोई है कि ये 5 लाख क्यूसक का एक और रिलान करीब आ रहा है, अगर वो आता है तो इससे भी ज़्यादा तबाही है। मतलब ये कि ख़तरा भी टला नहीं है, ख़तरा भी बरकरार है। ये जो 3-4 दिन पहले सैलाब आया था उससे तो कदरे ये पानी कम हुआ है, लेकिन फिर मजीद जो पानी आने का खदशा अभी तक बरकरार है।